नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सपोज लाइक दिस वन। ठीक है, ये एक फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो दिख रहा है ये कि डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर डिफाइंड है ये फंक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि कोई पूछे इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है का किस किस x पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो क्वेश्चन ने खुद बोला है कि ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल x है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या किया कि डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि सपोज वो बोला कि 1 से 2 के बीच में बताओ रेंज कितना है। तो उसने क्या बोला, इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 देन बताओ रेंज कितना है। तो हम लोग बोलेंगे 1 पे क्या वैल्यू आया देखते हैं, ये 2 पे जो वैल्यू आया ये। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिर्फ ये वाला पार्ट है ग्राफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि डोमेन सिर्फ ये है। अगर कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने डोमेन को, अब यहाँ पे बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई कितना है। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं वाई को देखना। तो मिनिमम वैल्यू हमने देखा कि ये वाला जो पोर्शन है वाई का, वाई मैक्सिमम ये है एंड वाई मिनिमम ये है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वाई मिनिमम जो है हमारा एफ ऑफ 2 आ गया एंड वाई मैक्सिमम जो है एफ ऑफ 1 आ गया। ठीक है, इसी में अगर कोई नेक्स्ट, ये पॉइंट 1 था पार्ट 1। पार्ट 2 बोले इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 से, सपोज यहाँ पे एक 5 है नंबर 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 में बताओ y मैक्सिमम और y मिनिमम कितना है। अगर इसका रेंज बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे रेंज विल बी इक्वल टू f ऑफ 2 से f ऑफ 1 तक इसका रेंज होगा। ठीक है, इस वाले केस के लिए। सेकंड केस में देखते हैं हम लोग, तो f ऑफ 1 ये आया, सपोज f ऑफ 5 ये आया। ठीक है, यहाँ पे गिवन है f ऑफ 1 सपोज 5 है एंड एफ ऑफ 5 इज 2। तो हमने बोला कि अब मिनिमम देखते हैं वाई कितना आया। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस समय ग्राफ यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो इस बीच में 1 to 5 के बीच में सबसे मिनिमम वाई क्या रीच हुआ है। तो सबसे मिनिमम वाई हम लोग देख रहे हैं वाई डिक्रीज हो रहा है, यहां पे सबसे मिनिमम रीच हुआ, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग बोलेंगे वाई मिनिमम फिर से ये है एफ ऑफ 2, लेकिन y मैक्सिमम कितना रीच हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे 1 पे मैक्सिमम रीच हुआ है या फिर 5 पे। तो 1 पे दिखा रहा है वैल्यू 5 आया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो बड़ा कौन सा है, तो 5। तो हम लोग बोलेंगे y मैक्सिमम 5 आ गया, डेट इज f ऑफ 1। तो इस समय जो रेंज होगा हमारा इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में वो होगा f ऑफ 2 से f ऑफ 1 तक फिर से। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, सपोज 1 to 2 दिया, तो वो लोग डायरेक्ट रेंज क्या बोलेंगे कि f ऑफ 1 से f ऑफ 2 रेंज है या फिर f ऑफ 2 से f ऑफ 1 रेंज है। और अगर 1 से 5 दिया तो वो लोग डायरेक्टली आंसर क्या बोलते हैं, f ऑफ 1 से f ऑफ 5 है। हम लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ बना के देखना पड़ेगा कि सबसे मिनिमम वाई कहाँ पे रीच हुआ है और सबसे मैक्सिमम वाई कहाँ पे रीच हुआ है। उस हिसाब से हम लोग बताएंगे कि ये वैल्यू मिनिमम है और ये वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सपोज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर से हमने वही फंक्शन लिया, फाइंड रेंज इफ, सबसे फर्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू 1 to infinity। ठीक है, ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके बोला गया कि 1 to infinity में बताओ डोमेन रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे। जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हमने ग्राफ बनाया, तो हमें याद होना चाहिए -1/2 -b/2 ये था, -b/2 वैल्यू आया था 3/4। तो ये हो गया -1/2, 3/4 और उसके बाद ग्राफ इस टाइप से था। ठीक है,
ये हमारा ग्राफ है किसका, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। अब हमें बोला गया है कि सिर्फ हमें वन टू इन्फिनिटी में देखना है, तो हम लोग बोलेंगे जीरो यहाँ पे, वन कहीं इधर होगा, वन पे क्या वैल्यू आएगा चेक करेंगे हम लोग एक्स इज इक्वल टू वन डाल के फंक्शन में। जैसे ही वन डाला हमने, वन प्लस वन थ्री आ गया, तो हम लोग बोलेंगे दिस पॉइंट इज वन कॉमा थ्री, और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमने बोला सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पार्ट में रेंज बताओ कितना है। तो हमने बोला मिनिमम वाई कहाँ पे रीच हुआ, तो ये है मिनिमम वाई रीच किया गया, मैक्सिमम कहाँ है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वाई बिलोंग्स टू थ्री टू इन्फिनिटी, ठीक है। थ्री बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वन पे मिनिमम रीच हुआ और कितना वैल्यू आया वो थ्री आया, तो थ्री टू इन्फिनिटी रेंज में हमेशा हम लोग वाई बोलते हैं, ठीक है। इसी में सेकेंड पार्ट है, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन, क्वेश्चन ये है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन होता तो बताओ रेंज क्या होता। तो उस केस में हम लोग फिर से ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ यहाँ बना हुआ है, और हम लोग बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू वन में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, या फिर इसको चेंज करके माइनस इन्फिनिटी टू जीरो कर देते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में हमें रेंज देखना है, तो माइनस इन्फिनिटी इधर है कहीं एक्स, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सिर्फ ये पोर्सन है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सिर्फ ये वाला पार्ट ग्राफ का, ठीक है। इस वाले पार्ट में सबसे मिनिमम वाई कहाँ पे रीच हुआ है, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वाई मिनिमम है, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम वाई कितना होगा, इन्फिनिटी, तो हम लोग बोलेंगे वाई बिलोंग्स टू सबसे मिनिमम वाई, वाई मिनिमम से वाई मैक्सिमम, ठीक है। तो वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा, वाई मिनिमम इज थ्री बाय फोर रीच किया गया है, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी में थर्ड केस हम लोग लेते हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव, ठीक है। सिर्फ जीरो टू फाइव है रेंज, और डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसमें हमें रेंज बताना है इस फंक्शन का। तो हमने बोला ये जो फंक्शन है हमारा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस वन बाई टू, इस पे वैल्यू आ रहा है थ्री बाय फोर, ठीक है। अब हमें देखना है सिर्फ जीरो से फाइव के बीच में, ठीक है, ये जीरो, तो जीरो पे हमने देखा वैल्यू कितना आया, जीरो कॉमा वन, ठीक है। फाइव पे वैल्यू कितना आ रहा है, तो ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी प्लस वन, फाइव कॉमा थर्टी वन, ठीक है। तो हमने बोला हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ ये वाला पोर्शन है ग्राफ का, इसमें जो वाई मिनिमम रीच हुआ है ये वाला है, और वाई मैक्सिमम ये, तो हम लोग बोलेंगे वाई बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा वन टू थर्टी वन, ठीक है इस केस में। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के क्वेश्चन को इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फिर हमें जो भी डोमेन दिया गया है उस डोमेन में हम लोग देखते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो डोमेन होता है, उस डोमेन में सबसे मिनिमम वाई कितना आया वो निकालते हैं, उसके बाद सबसे मैक्सिमम वाई कितना आया वो भी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग रेंज लिख देते हैं माइनस वन टू माइनस वाई मिनिमम टू वाई मैक्सिमम, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि फाइंड द रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, सबसे पहला एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो ग्राफ, ये एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी में इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है, सबसे पहले इस फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे माइनस बी बाई टू है वो आ जाएगा थ्री बाई टू, माइनस बी बाई टू है थ्री बाई टू, माइनस बी बाई टू है, और डी निकालेंगे, डी आएगा हमारा बी स्क्वायर डेट इज नाइन, माइनस फोर इज एट डेट इज वन, तो माइनस डी बाई फोर ए आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, इस पर वैल्यू कितना आया माइनस वन बाई फोर मिनिमम वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू आएगा टू, इधर से पास करेगा ग्राफ और इधर तो इधर, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ आया वो ये है कुछ इस टाइप, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ ये है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है थ्री बाय टू कॉमा माइनस वन बाय फोर, ठीक है। अब हमें जो रेंज निकालने बोला गया है वो किधर का बोला गया है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी में,
ये जो ग्राफ आया ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है। अब जीरो से इन्फिनिटी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो सब जीरो से इन्फिनिटी में ग्राफ देखते हैं, जीरो वैल्यू आ रहा है टू, जीरो कॉमा टू, यहाँ पे इसके बाद नीचे जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद ये पूरा ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ये वाला पार्ट है हमारा। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मिनिमम वाई कहाँ पे रीच हुआ, तो ये लोएस्ट पॉइंट पे वाई मिनिमम ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, वाई मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम। तो इसमें बोलेंगे वाई बिलोंग्स टू मिनिमम वाई कितना है माइनस वन बाई फोर से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत ही सिंपल है रेंज निकालना रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर हमें ग्राफ पता चल जाए तो ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं फिर से, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो ठीक है, सिर्फ माइनस वन से जीरो में बताना है हमें इस बार रेंज ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे माइनस वन किधर होगा, तो माइनस वन समथिंग लाइक दिस इधर होगा ठीक है। तो माइनस वन पे वैल्यू क्या आएगा वो चेक करना पड़ेगा, माइनस वन डालेंगे इसमें जैसे ही तो आएगा वन प्लस थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स ठीक है। तो माइनस वन कॉमा सिक्स आया हमारा वैल्यू, उसके बाद कहाँ तक जाना है जीरो तक, तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ये वाला पार्ट होगा रेड वाला पार्ट ठीक है। तो इस पे मिनिमम वाई कितना है, ये आया जो मिनिमम वाई आया और ये आया मैक्सिमम वाई ठीक है। तो हमने बोला वाई मिनिमम हमारा है टू, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा टू से कहाँ तक सिक्स तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। अब इसी में थर्ड केस है, इफ x बिलोंग्स टू सपोज जीरो से टू ठीक है, x बिलोंग्स टू जीरो से टू। तो हमने बोला कि जीरो तो यहाँ पे है, जीरो से स्टार्ट करेंगे चलना, कहाँ तक पहुँचना है टू तक, तो ये है हमारा 1.5। अब देखना है टू, टू या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1.5 के बाद आएगा लेकिन हमें ये नहीं पता है ग्राफ के इधर आएगा या इधर आएगा, तो हम लोग क्या किए डायरेक्टली टू उसमें डाल दिए। जैसे ही टू डाल दिए हम लोग, तो टू स्क्वायर डेट इज फोर माइनस सिक्स प्लस टू, ये तो जीरो आ गया टू डालने पर, मतलब टू इसका रूट है, तो ये वाला पॉइंट ही टू है हमारा ठीक है। इसका मतलब टू कॉमा जीरो ये कोऑर्डिनेट है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा सिर्फ ये वाला पोर्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में हम देखें कि वाई मैक्सिमम रीच कर रहा है यहाँ पे, एंड वाई मिनिमम जो रीच कर रहा है ये वाला पोर्शन ठीक है, इस पार्ट के ग्राफ में ठीक है, जीरो से टू में। तो हमारा हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू माइनस वन बाई फोर से कहाँ तक, वाई मैक्सिमम डेट इज टू तक ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग ग्राफ बना ले उसके बाद एनालाइज करें तो एनालाइज करना बहुत ही आसान है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के क्वेश्चन को ठीक है।